आज वो जो मुझ पर और कैलाश चंद्रवंशी जी के ऊपर फर्जी एक्ट्रोसिटी एक्ट की धाराएं लगाई गई थी, मुकदमा लगाया गया था, आज उस पर फैसला था और सेशन कोर्ट ने और एक्ट्रोसिटी एक्ट के स्पेशल कोर्ट ने आज हम सबको, मुझे और कैलाश जी को दोष मुक्त किया है। उन्होंने इस बात को बहुत स्पष्टता से माना है कि जो कुछ था वो गरीबों के राशन कार्ड को बनवाने के लिए हम लोग गए थे। जब पहले उनके द्वारा सूचना दी गई थी पुलिस में, तब उसमें किसी प्रकार के जातिगत विषय को नहीं उठाया गया था। एक महीने बाद फिर से उनको दबाव पूर्वक अलग से आवेदन दिलवाया गया है इन सारे विषयों को लेकर के, और विभिन्न जो वकील साहब लोग ज़्यादा अच्छे से समझेंगे उस विषय को। इस बात का निर्णय हुआ, मैं भारत की न्याय परंपरा, भारत के न्यायपालिका के प्रति पुनः अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूँ, और हम सबको, मुझे और कैलाश जी को दोष मुक्त किया गया है। इसमें हमारे ऊपर जो आरोप लगाया गया था, ये कहा गया था कि इस तरह की बातें हम लोगों ने की, जबकि जीवन में कभी समाज विशेष पर कोई टिप्पणी करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। सदैव से ही सभी समाज को साथ में लेकर चलने का भाव मन में मेरे प्रारंभ ही रहा है, संस्कार में रहा है, शिक्षा में रहा है और कर्म में रहा है, हर विषय से, हर तरह से रहा है। फिर भी हमको आरोपित किया गया था, आज न्यायालय ने हमको दोष मुक्त किया है। मैं ईश्वर के को बहुत धन्यवाद देता हूँ, भारत की न्याय परंपरा को के प्रति मैं श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। मामले में चेंज भी किया था, राजनीतिक से राजनीतिक था क्या मामला? मोहम्मद अकबर विधायक थे यहाँ से, वो दबाव की राजनीति किया करते थे, सबको प्रकरणों में फंसा करके, किसी के दुकान का लाइसेंस रद्द करके, किसी के सरपंच को धारा 40 में फंसा करके, किसी के माइनिंग का लीज खत्म करवा करके, इसी तरह से दबाव करके राजनीति किया करते थे। हम लोगों ने जा करके लोगों के, गरीबों के राशन कार्ड को बनवाने की बात कही थी, उनको ये लगा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता इन लोगों से प्रारंभ हो जाएगी, ये आगे बढ़ जाएंगे, हमको दबाने की कोशिश की। हमारे ऊपर फर्जी कई मुकदमे करवाए, उसमें से एक ये मुकदमा था जिसमें एक्ट्रोसिटी एक्ट की धाराएं लगी थी। आज उस एक्ट्रोसिटी एक्ट की धारा को न्यायालय ने, माननीय न्यायालय ने समाप्त किया, और उसके बाद जब हम लोग जेल में थे तो जेल से न छूट पाए, इसीलिए इस पुनः एक्ट्रोसिटी एक्ट लगा करके हम लोगों को जेल में रखा गया था। और देखिए, न्याय की जीत होती है, अभी नहीं तो आगे होती है, परंतु न्याय की जीत होती है, सत्यमेव जयते अगर ये कहा गया है, शास्त्रोक्त है, तो ये हमारे जीवन का आधार है, ये हमारी मान्यता है, और वह आज पुनः प्रमाणित हुआ है। क्या कोई मानहानि का दावा ऐसा कुछ करेंगे वाकई? अभी देखेंगे, उस पर एक बार वकील साहबान से बात करना होगा, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। बाकी ये है कि और भी गम है दुनिया में, दूसरे बहुत से काम है करने के लिए, कहाँ उन बेवकूफियों में पढ़ करके और अपना समय जाया किया जाए, खराब किया जाए, बहुत काम है करने के लिए। गिरफ्तारी हो सकती है शराब होटल में? देखिए, कानून सबके लिए बराबर है। मैं आज न्यायालय के सामने खड़े होकर के और एक केस में जेल जा करके बरी होकर के आपसे ये बात कह रहा हूँ, तो अरविंद केजरीवाल हो या कोई हो, कानून तो सबके लिए बराबर होना ही चाहिए, और है भी, कानून अपना काम कर रहा है, मुझे लगता है कि उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं। अब मानते हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए उनकी, प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, प्रामाणिकता जैसे ही सामने आती है तो जो कार्यवाही उचित है वो होना चाहिए, उसमें कोई संशय नहीं है किसी के लिए भी। भाई, ये जो पूरा प्रकरण था, ये मात्र इनकी जो है राजनीतिक रूप से, राजनीतिक कार्यकर्ता है उनको दबाने के लिए मोहम्मद अकबर के सह में झूठा मामला दर्ज किया गया था। कवर्धा में जब भगवा ध्वज का कांड हुआ था, उसमें भी उस प्रकरण को दबाने के लिए ही कवर्धा की जनता ने जो है एक माह का कर्फ्यू झेला, इसके लिए भी उस समय के तत्कालीन विधायक और मंत्री जो है जिम्मेदार थे। भगवा ध्वज के मामले में निर्दोष लोगों के खिलाफ मामला बना करके सबको जेल में डाल दिया गया था, लेकिन जो नामी लोग थे उनको भी नामजद उसमें मुलजिम बनाया गया था, उनके प्रकरण में सुनवाई नहीं हो रही थी क्योंकि ये बाकी लोग जो है अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है करके, तो बाकी लोगों के हित में इन्होंने आकर के, हमारे मंत्री जी जो विजय शर्मा जी है, उन्होंने आके न्यायालय में उसमें मामले में समर्पण किया था, उस मामले में, भगवा वाले मामले में। जब उस मामले में न्यायिक अभिरक्षा में गए, तब एक इनके खिलाफ उस मामले में जमानत की जब सुनवाई हो रही थी और उनको ऐसा लगने लगा कि इस मामले में जमानत हो जाएगी, सबका जमानत हुआ, तो वो जब अन्य लोगों का जमानत होता है एक मामले में तो बाकी लोगों को जमानत मिल ही जाता है, तो ये जेल में ही रहे, ऐसा करके ये फर्जी मामला, क्योंकि उस मामले में जो घटनाक्रम था उसमें जो मेसराम साहब थे उन्होंने पहले उस बात की सूचना दे दिया था, मतलब उस घटना की सूचना, लिखित सूचना पुलिस को दे दिया था,
उसमें पुलिस ने कोई अपराध नहीं पाया था, लेकिन उस तथ्य को छुपा करके नया आवेदन दिए और नए आवेदन में भी इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि पुराने इसी घटना के संबंध में उन्होंने आवेदन दिया था, तो वो फर्जी प्रकरण बना। न्यायालय में यही तथ्य आया था कि उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया है न्यायालय में कि उन्होंने तो एक माह पहले जो आवेदन दिया था वही आवेदन था, बाकी कोई आवेदन नहीं था। ये आवेदन दे है जो था बाद का आवेदन, उनसे या तो धोखा देकर के लिया गया था या दबाव पूर्वक लिया गया था, और ये मामला पूरा फर्जी था जिसमें कम से कम इनको 15 दिन तक के जेल में रहना पड़ा। और उस न्यायिक अभिरक्षा की अवधि में हम उस समय हमने भी ये कहा था कि बार बार इनको ये कोई पहले का कोई नामी बदमाश हो या इनके खिलाफ बहुत सारे मामले हो या किसी मामले में इनको सजा हुई हो, ऐसा तो कोई था ही नहीं। इनके खिलाफ जो भी मामले हैं 2018 के बाद जब सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार आई, उसके बाद के मामले हैं, 9-10 मामले हुए और किसी मामले में कोई सजा नहीं हुआ था। तो इनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा था उस समय कि ये मतलब जो वांटेड जो होते हैं ना अपराधी, उस तरीके से इनको यहाँ से रायपुर रातों रात जो है रायपुर सेंट्रल जेल लाना, फिर लेके आना, फिर लेके आना। उस समय इनकी ये मंशा थी कि किसी प्रकार से इनके कोई दुर्घटना जो है कर करके इनकी जो है जीवन को समाप्त कर दिया जाए ताकि इनके कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी ही ना रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।